अपने चार धाम यात्रा के आखिरी पड़ाव में आज मैं पहुंची थी यमुनोत्री धाम, जो उम्मीद से ज़्यादा खूबसूरत और दिलचस्प रहने के साथ रही उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक। भारी बारिश और जगह जगह पर टूटी रोड की वजह से जहां 3 दिन मैं यमुनोत्री घाटी में फंसी रही, वहीं एक समय ऐसा भी आया जब यमुनोत्री धाम तक पहुंचने वाले रास्ते और मंदिर में मेरे अलावा कोई और तीर्थयात्री नहीं दिखा। यमुनोत्री धाम पहुंचना जितना मुश्किल था, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल रहा यमुनोत्री धाम से घर पहुंचने का सफर। मेरी उत्तराखंड की चार धाम की यात्रा में आज मैं पहुंच चुकी हूं इस यात्रा के आखिरी पड़ाव में, जो है यमुनोत्री धाम। मैं हूं अभी जानकी चट्टी में और यहां से शुरू होता है यमुनोत्री धाम का 6 किलोमीटर का ट्रैक। तो चलिए करते हैं इस यात्रा की शुरुआत। यमुनोत्री धाम का ट्रैक स्टार्ट होता है एक छोटे से गांव जानकी चट्टी से, जो देहरादून से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। जानकी चट्टी में एक छोटी मार्केट है जहां आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकते हैं और साथ ही ट्रैक से जुड़ी चीजें भी ले सकते हैं। सुबह 6 बजे मैंने जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम के लिए ट्रैक शुरू किया। पूरी रात बारिश के बाद सुबह 5 बजे के आसपास मौसम खुल गया। तो ये आपको जो ब्लू कलर का बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे जो है जानकी चट्टी की दुकानें ख़त्म हो जाती हैं और यहाँ पर जो है मैंने 1 किलोमीटर का फासला तय कर दिया है और यहाँ से रह जाता है यमुनोत्री धाम लगभग 5 किलोमीटर। रात भर जो है यहाँ बारिश चल रही थी, लेकिन सुबह होते होते जो है मौसम साफ हो गया है और दूर जो है मुझे थोड़ी थोड़ी धूप नज़र आने लगी है और धूप के साथ ही मुझे थोड़ी थोड़ी बर्फ भी दिख रही है। और आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर जो है यमुनोत्री धाम से चली आ रही है माँ यमुना, और यमुना का आप प्रवाह देखेंगे तो इतना तेज है बारिश की वजह से। अभी बारिश नहीं हो रही है लेकिन मैंने फिर भी छाता खोल रखा है। इसकी वजह यह है कि ऊपर आप पहाड़ी से देखेंगे तो ट्रैक का जो रास्ता है उसमें जो है लगातार पानी गिर रहा है। मेरी चार धाम की यात्रा में यही एक ऐसा धाम है जहाँ पर कि ट्रैक मुझे पूरा खाली मिला है। मेरे सिवाय यहाँ पे कोई तीर्थयात्री मुझे दिख नहीं रहा है और इसकी वजह ये है कि यमुनोत्री धाम से आगे लगभग 50 किलोमीटर में बीच बीच में रोड ब्लॉक हो रखी हैं और साथ ही कई जगह लैंडस्लाइड भी हो रखा है। यहाँ लगभग 3 दिन हो गए हैं और अभी तक जो है गाड़ियाँ उस पार से इस पार जो है नहीं चल रही हैं। यमुनोत्री के इस ट्रैक पर ऊपर से गिरते झरने, दूर पहाड़ पर चमकती धूप और आसमान की तरफ उड़ते बादल, मॉनसून में यमुनोत्री की यह यात्रा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यहाँ भी इस ट्रैक में मेरे साथ 3 साथी जुड़ चुके हैं, उनके साथ जो है मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। पहला ये है सोनू, दूसरा है मोनू और तीसरा जो टोनू है वो मुझसे जो है काफी आगे निकल चुका है, तो उसको भी मैं दिखाती हूँ आपको। चलो फोर आर टोनू।
रोज हो रही बारिश की वजह से बीच बीच में ट्रैक में लगातार पानी आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे जूते पूरे भीग चुके थे। आजकल रोड ब्लॉक की वजह से आपको यहाँ ट्रैक में जो दुकानें हैं वो जो है लगभग सब बंद ही हो रखी हैं। कुछ कुछ दुकानें आपको इस ट्रैक में खुली मिलेंगी। और अब यमुनोत्री धाम रह गया है 4.5 किलोमीटर। यमुनोत्री ट्रैक पर ही एक सुंदर सा बड़ा गेट बना हुआ है, जिस पर एक तरफ यमराज, दूसरी तरफ शनिदेव और बीचों बीच माँ यमुना की मूर्ति बनाई गई है। शनिदेव, यमराज और माँ यमुना सूर्यदेव की संतानें मानी जाती हैं। 1.5 किलोमीटर के बाद अब शुरू होता है यमुनोत्री धाम का असली ट्रैक, जो कि जो है चढ़ाई वाला है। अब लगातार जो लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक आएगा वो ऐसी जो है खड़ी चढ़ाई वाला ट्रैक है। तो चलिए चलते हैं। दो किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और अब यमुनोत्री धाम रह गया है 4 किलोमीटर। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया है, मेरा ब्रेक नहीं है, इन तीनों के लिए है ब्रेकफास्ट ब्रेक। मैं तो धाम के दर्शनों के बाद ही करूँगी, तो आ जाओ, इनको जो है मैं ब्रेकफास्ट कराती हूँ। यहाँ यही अवेलेबल था तो इसलिए इनके लिए यही लिया। ले दो किलोमीटर के ट्रैक के बाद एक राम मंदिर बना है और इस राम मंदिर से शुरू होते हैं पहाड़ों पर बड़े बड़े झरने दिखाई देने। मॉनसून में इन झरनों की संख्या काफी बढ़ जाती है। दूर जो आपको दिख रहा है जानकी चट्टी, जो कि लगभग 8600 फीट की हाइट पे है, और वहां से जाना है हमें यमुनोत्री धाम, जो है लगभग 10800 फीट पे। तो टीम का एक प्लेयर ढेर हो चुका है और ये था खिलाड़ी नंबर 1 जो है सोनू। तो ये ढेर हो चुका है, बाकी 2 खिलाड़ी अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं। तो चलिए चलते हैं। आज से लगभग 1 महीने पहले की बात करें तो आपने वीडियो में भी देखा होगा यहाँ पे पूरा जाम लगा रहता था, घोड़े, खच्चर, पालकी, कंडी और बाकी तीर्थयात्रियों का भी। तो आधा घंटा लग जाता था यहाँ से क्रॉस करने में, लेकिन अब आप देखोगे तो पूरा रास्ता सुनसान पड़ा है। अब तक की मेरी चारधाम की यात्रा में इस धाम की यात्रा सबसे पीसफुल है, और शोर है तो सिर्फ झरनों और माँ यमुना का। इस ट्रैक में आपको ऐसी जो है ट्रैक की तरफ ऐसी चट्टानें निकली हुई दिखाई देंगी, पत्थर। तो अगर आप घोड़े, कंडी या पालकी में होते हैं तो इनसे थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ सर टकरा सकता है। ट्रैक पर चलते चलते आता है एक लंबा पुल, और इस पुल से स्टार्ट होती है यमुनोत्री धाम की असली चढ़ाई।
आगे कुछ किलोमीटर तक आपको ज्यादा खड़ी सीढ़ियां ही चढ़नी होती हैं। पुल के पास ही एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड एरिया भी दिखा, जो नीचे एक नदी में गिर रहा था। बाद में एक लोकल ने बताया कि पहले यमुनोत्री धाम का रास्ता उसी तरफ से था, लेकिन वह रास्ता लैंडस्लाइड की वजह से टूट गया और फिर नया रास्ता बनाया गया। तो अभी मैंने एक टीम मीटिंग बुलाई है, जिसमें हम सारे मेंबर जो हैं इकट्ठा हो रखे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि आगे ट्रैक में कितने ब्रेक लें और कैसे ट्रैक होगा। तो सुनो मेरी बात। जो जो मैं इस ट्रैक पर ऊपर चढ़ रही थी, नीचे घाटी और सामने पहाड़ों के व्यूज उतने ही सुंदर होते जा रहे थे। ऊपर अब कोहरा भी ज्यादा मिलने लगा था। साढ़े तीन किलोमीटर के लगभग मैं ट्रैक कर चुकी हूँ और अब रह गया है 2.5 किलोमीटर। छोटा सा मैंने ब्रेक लिया है यहाँ पे और फिर जो है आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। इन तीनों में सबसे तेज है मोनू, जो सबसे आगे है। इसने सबसे ज़्यादा पाली जी खाए थे तो इसलिए एनर्जी भी इसकी ज़्यादा है, और बाकी ये दोनों जो है थोड़ा ढेर हो गए हैं। अब ट्रैक में लगातार सीढ़ियां आने लगती हैं, जिस वजह से थकान बढ़ जाती है। लगभग 4.5 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और अब यमुनोत्री धाम रह गया है बस 1.5 किलोमीटर दूर। यमुनोत्री मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले आपको यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर दिखाई देगा, तो यहाँ से आप जो है इनके दर्शन कर आगे बढ़ सकते हैं। यमुनोत्री धाम का लास्ट 700 से 800 मीटर का रास्ता बेहद खूबसूरत है। ठंडी हवाओं के बीच चिड़ियों के चहचहाने की आवाज के साथ जब आप फाइनली यमुनोत्री धाम के पास पहुंचते हैं, तो मंदिर के पास के पहाड़ों पर कई बड़े बड़े झरने दिखते हैं। बाद में पुजारी जी ने बताया कि ये मंदिर के पास में पहाड़ों से 7 धाराएं निकलती हैं। तो यहाँ पर होती है यमुनोत्री धाम की चढ़ाई खत्म, और यहाँ से यमुनोत्री धाम रह जाता है बस 300-400 मीटर दूर। और अब जो है रास्ता जितना मैं देख पा रही हूँ ढलान वाला ही है। वाह क्या नज़ारा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या चीज आ रही है। ऊपर से आप देखोगे एकदम वाइट क्रिस्टल क्लियर पानी जो है बह रहा है नीचे की तरफ, और माँ यमुना में जो है ये सारे वाटर स्ट्रीम मिल रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की तरफ। 200 मीटर रह गया है मंदिर और यहाँ से दिखती है मंदिर की ये पहली झलक। तो मैं निकली थी जानकी चट्टी से लगभग 6:30 बजे, तो मुझे 2.5 घंटे लगे हैं इस ट्रैक को कंप्लीट करने में, और बीच में जो है मैं रिकॉर्डिंग करते हुए भी चली आ रही थी। वो देखो जो रेड और येलो कलर का दिख रहा है वो है यमुनोत्री धाम। मंदिर के पास ही एक और लास्ट पुल पार करके आप यमुनोत्री धाम की सीढ़ियों पर पहुंच जाते हैं,
और इसी पुल से लगकर बना है एक छोटा सा मार्केट, जहां से आप पूजा के लिए सामान, प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। पुल से कोई 100 मीटर के बाद ही पहुंच जाते हैं पावन यमुनोत्री धाम के द्वार पर। हजारों तीर्थ यात्रियों से भरे रहने वाले यमुनोत्री धाम में जब मैं पहुंची, तब यहां पुजारियों के अलावा मैं ही एक तीर्थ यात्री थी। उत्तराखंड के इस एक प्रमुख चार धाम के ऐसे शांति से दर्शन होंगे, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने पर आपको 3 मूर्तियां दिखाई देती हैं। बीचों बीच है माँ यमुना की प्रतिमा, उनके बाईं तरफ है माँ गंगा की प्रतिमा और दाईं तरफ है माँ यमुना की डोली वाली प्रतिमा, जो मंदिर बंद होने के बाद डोली में यहाँ से 6 महीने के लिए दूसरी जगह ले जाई जाती है। माँ यमुना की खोज का श्रेय आश्रित ऋषि को भी जाता है। कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ पर एक ऋषि रहा करते थे जिनका नाम था आसित, और वो जो है प्रतिदिन जो है स्नान करने दूर कालिंद पर्वत पर जाया करते थे, जो कि यमुना नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। कुछ वर्षों के बाद जब वो बूढ़े हो गए और वहाँ तक जाने में सक्षम नहीं थे, तो तब उन्होंने यहीं पर माँ यमुना का तप किया और उनके तप से खुश होकर माँ यमुना ने उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद माँ यमुना ने यहीं पर अपनी एक धारा प्रवाहित की और कहते हैं तब से ही माँ यमुना यहाँ विद्यमान हो गई। मंदिर के पास ही एक दिव्य शिला है। कहते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ माँ यमुना ने अपने पिता सूर्य देव का तप किया था और यहीं पर वे पिंड के रूप में विद्यमान हैं। यमुनोत्री मंदिर से पहले यहां दिव्य शिला की पूजा की जाती है। ये है मंदिर का गर्भगृह, यानी कि मुख्य मंदिर यही है, और मुख्य मंदिर के बगल में है एक गर्म खौलते पानी का कुंड, जिसे सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उस कुंड को। ये है वो सूर्य कुंड जहाँ कहते हैं कि भगवान सूर्य जो है खौलते पानी के रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं। उन्होंने माँ यमुना यानी कि अपनी पुत्री को आशीर्वाद दिया था कि वो हमेशा इस पानी के रूप में भक्तों की भूख भी मिटाएंगे। वो कैसे? जब भक्त यहाँ आते हैं तो वो प्रसाद के रूप में जो है आलू या फिर चावल लेके आते हैं और उन्हें वो जो है पोटली में इस गर्म पानी के ऊपर रख देते हैं, और ये पानी इतना गर्म है कि कुछ ही मिनट में आलू उबल जाते हैं और चावल जो है पूरी तरह से पक जाते हैं। इतिहास की बात करें तो यमुनोत्री धाम के मंदिर का निर्माण गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने 19वीं सदी में करवाया था। उस समय ये मंदिर लकड़ी का बना था। उसके कुछ समय बाद इसे पत्थरों का बनाया गया, जिसका निर्माण प्रताप शाह द्वारा किया गया। कई सालों के बाद जब ये मंदिर भूकंप से पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था, तो तब जो है जयपुर की रानी गुलेरिया ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। माँ यमुना के यहाँ दो रूप हैं, एक है शीतल रूप यानी कि ठंडा रूप और एक है तप्त रूप यानी कि गर्म रूप। जो तप्त रूप है यानी कि गर्म पानी है माँ यमुना का, वो यही पहाड़ियों से आता है। वो भगवान सूर्य की पुत्री थी तो इसीलिए उन्हें वरदान मिला था ये तप्त रूप का। और दूसरा रूप है शीतल रूप यानी कि ठंडा रूप, जो कि यहाँ से लगभग 11-12 किलोमीटर दूर सप्तऋषि कुंड से आता है।
यमुनोत्री मंदिर के पास ही एक हनुमान मंदिर भी है जो पूरे साल भर खुला रहता है। मंदिर के अंदर एक महाराज जी की प्रतिमा दिखाई देती है जिन्हें श्री राम भरोसे दास जी के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि वे काफी कम उम्र में ही यहाँ यमुनोत्री धाम आए थे। वे पूरे उम्र यहीं रहे और फिर उन्होंने कभी भी सामने बह रही यमुना नदी को पार नहीं किया। मंदिर के नीचे की ओर एक गौरी कुंड है जहां तप्त कुंड का पानी भेजा जाता है और इसी कुंड में भक्त स्नान करते हैं। सूर्यदेव की एक पत्नी थी संज्ञा, जिनकी दो संतानें थी, एक यमराज और दूसरी यमुना। दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम था। एक दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए और तब यमुना ने भाई यमराज का खूब आदर सत्कार किया और उसी दिन यमराज ने खुश होकर माँ यमुना को वरदान दिया कि जो कोई इस विशेष दिन में तुम्हारे पानी से स्नान करेगा वह अकाल मृत्यु से बच जाएगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही विशेष दिन भैया दूज के रूप में मनाया जाता है और इस दिन माँ यमुना में स्नान करना पवित्र माना जाता है। एक गर्म कुंड और है जो सूर्य कुंड के ही थोड़ा नीचे की तरफ है। इसे द्रौपदी माँ कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ये है चूड़ाक्रम स्थल। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर मुंडन, चूड़ाक्रम आदि जो है जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो यहीं पर होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो गर्म पानी की भाप जो है आपको उड़ती हुई दिखाई देगी। ये है एक छोटा सा मार्केट जो यमुनोत्री धाम मंदिर के नीचे ही है। यहाँ पे आपको जो है पूजा सामग्री की शॉप्स और छोटे मोटे जो है रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। ये अंगूठियाँ लिए मैंने यहाँ यमुनोत्री धाम की याद में। यमुनोत्री धाम में अगर ठहरने की व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे तीन आश्रम हैं। पहला है रामानंद आश्रम, उसी के नीचे है कालिंदी आश्रम और सबसे नीचे एक और आश्रम है जिस जहाँ आप जो है पुल पार करके जा सकते हैं, वो है यमुना आश्रम। यमुनोत्री धाम के काफ़ी अच्छे से मैं दर्शन कर चुकी हूं और अब मैं बताती हूं आपको इस ट्रैक के बारे में। यमुनोत्री धाम के अगर ट्रैक की बात करें तो अगर आपने केदारनाथ धाम का ट्रैक किया है तो ये ट्रैक तो आपको जो है बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके कंपैरिजन में ये जो है उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। पहले का जो 1.5 किलोमीटर है जानकी चट्टी से आगे का, वो समतल है जिसे आप आराम से जो है पार कर सकते हैं। उसके बाद जो है हल्की फुल्की चढ़ाई स्टार्ट होती है, बीच बीच में समतल जगह भी आती रहती है जिसकी वजह से आपको जो है थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है। और फिर लास्ट का जो 500 मीटर है वो भी थोड़ा ढलान ही है, तो इसमें भी आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। यमुनोत्री धाम के इस ट्रैक में जो ये किनारे रेलिंग लगी हैं,
तो कभी भी जब आप इस ट्रैक पे चलते तो इनका ज़्यादा सहारा ना लें, क्योंकि ये जो है काफ़ी कच्ची हैं, देखिए पूरा हिल रही हैं, तो इनका सहारा जो है कम से कम लें। तो यहाँ से अगर आप जो है नीचे गिरे तो सीधे जो है यमुना जी में ही मिलेंगे फिर, तो काफ़ी ख़तरनाक हैं, तो इसीलिए बीच बीच में बोर्ड भी लगा रखे हैं उन्होंने कि इसका सहारा ना लें ज़्यादा। अब मैं यमुनोत्री धाम से नीचे की तरफ वापस आ गई। अब मुझे ट्रैक पर ऊपर आते कुछ श्रद्धालु भी दिखाई दिए। यमुनोत्री धाम से नीचे जानकी चट्टी वापस आने में मुझे 1.5 घंटे लगे। अब प्लान था अगले दिन सुबह जानकी चट्टी से वापस देहरादून निकलने का, लेकिन इस चीज का आइडिया नहीं था कि यह प्लान उम्मीद से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। अगले दिन सुबह 6 बजे मैं जानकी चट्टी के टैक्सी स्टैंड पर आ गई। पूरी रात बारिश होती रही और सुबह भी हल्के हल्के छींटे पड़ रहे थे। अभी 10 किलोमीटर का ट्रैवल हुआ ही था कि रोड टूटी मिली। यह रोड जहां टूटी थी, इस जगह का नाम था राणा चट्टी। मेरे साथ कुछ और टूरिस्ट व लोकल्स भी वहीं फंसे मिले। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर और मलबा रोड पर गिरा हुआ था, जिससे कि वहां पूरा दलदल बना हुआ था और पैदल पार करने में भी बहुत दिक्कत हुई। इसे पार करने के बाद अब दूसरी तरफ मैं पैदल ही आगे बढ़ चली, क्योंकि यहाँ कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। अब बारिश और तेज हो गई थी। 4-5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी कोई गाड़ी नहीं दिखी। थोड़ा और आगे बढ़े तो पता चला कि आगे और रोड टूटी पड़ी है, जो अभी नहीं खुलने वाली थी। यहाँ सड़क पर आए पत्थरों को पार करने में उतनी दिक्कत नहीं हुई। बारिश अभी भी तेज हो रही थी और मैं पैदल ही आगे बढ़ रही थी। कुछ किलोमीटर के बाद एक गाड़ी दिखी, मैं उसमें बैठकर आगे चल दी। लगभग 4 किलोमीटर गाड़ी में जाने के बाद गाड़ी वाले ने एक स्याल चट्टी नाम की जगह पर ही उतार दिया। पता चला कि आगे 3 जगह पर काफी रोड टूटी हुई है और 4 दिन से यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आई है। यहाँ से एक बार फिर से मैंने पैदल यात्रा शुरू कर दी। लगभग 1.5-2 किलोमीटर आगे जाने के बाद 1-2 जगह फिर से रोड टूटी मिली। इन्हें भी क्रॉस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अभी 0.5 किलोमीटर और पैदल चली थी कि डाबरकोट नाम की जगह पर यमुनोत्री हाईवे का एक पार्ट पूरी तरह से गायब मिला। रोड का पूरा हिस्सा टूटकर नीचे यमुना घाटी में गिरा था। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिरकर यहाँ इकट्ठा हुआ था, जिससे यह पूरा हिस्सा ब्लॉक था। यही वह हिस्सा था जिसकी वजह से पिछले 4 दिनों से कोई भी गाड़ी बड़कोट से जानकी चट्टी की तरफ नहीं आई थी, क्योंकि रह रहकर इस हिस्से पर ऊपर की तरफ से पत्थर गिरकर नीचे आ रहे थे, जिसकी वजह से JCB और मशीनें इस हिस्से को क्लियर नहीं कर पा रहे थे। पहली नजर में इसे पैदल क्रॉस करना भी असंभव लगा, क्योंकि पूरा मलबा बारिश के पानी से दलदल बना हुआ था और बीच में गहरे गहरे खड्डे थे और उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर पड़े थे, जिन्हें क्रॉस करना मुश्किल था क्योंकि ये कभी भी नीचे को खिसक सकते थे। इस पूरे हिस्से को क्रॉस करने में लगभग 0.5 घंटे से ज्यादा समय लग गया। पहले तो क्रॉस करने का एक रास्ता ढूंढना था और फिर ऊपर से पत्थर गिरने का भी डर था, लेकिन जैसे तैसे हल्की फुल्की हाथ पैर में खरोंच के साथ इस भाग को भी पार कर लिया। और 0.5 किलोमीटर दूर चलने के बाद अब बड़कोट देहरादून के लिए गाड़ियां लगी थी।
और फाइनली आधा घंटा गाड़ी में इंतजार करने के बाद अब टाइम था घर वापसी का।